खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। आश्रम की गतिविधियां 7 जुलाई को काफी बढ़ गईं। हालांकि न कोई नियम टूटा न काम रुका, मेहमानों की आवाजाही ने गांधी को और व्यस्त बना दिया। व्यस्तता की एक वजह ठक्कर बापा की आश्रम में उपस्थिति भी थी। अमृतलाल ठक्कर बापा 2 दिन रुककर रवाना हुए तो गुरुकुल कांगड़ी से चंद्रमणि आ गए। बिहार से एक स्वामी उसी दिन आए जब मगनलाल 1 दिन की वीरमगाम यात्रा की तैयारी कर रहे थे। हाथी भाई और मणिलाल भी उसी रोज पहुंचे। वैसे मणिलाल देर शाम को लौट गए। अगले दिन 8 जुलाई को गांधी मुख्यतः पूना में होने वाले बंबई प्रांतीय सम्मेलन के बारे में सोच रहे थे। सम्मेलन 11 जुलाई को था और बाल गंगाधर तिलक उस दिन पूना में रहने वाले थे। गांधी कई मुद्दों पर तिलक से विस्तार से चर्चा करना चाहते थे। तिलक को इस बात की सूचना थी कि गांधी सम्मेलन में आ रहे हैं और उनसे अलग से मिलना चाहते हैं। चर्चा के विषय के संबंध में फिलहाल उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। नारंदास पूना की यात्रा में गांधी के साथ थे। हाथी भाई आश्रम से साथ निकले पर उन्हें कहीं और जाना था। सम्मेलन में एक प्रस्ताव रमाबाई रानाडे ने रखा गोखले के बारे में। गांधी ने कहा, प्रस्ताव में कुछ जोड़ना मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन गोखले के शिष्य के रूप में मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। खासकर उनका ये वाक्य कि राजनीति के क्षेत्र में हिंदुस्तान में चारित्रिक कमी है, धर्म भावना का अभाव है। गांधी ने कहा, अगर प्रतिबद्धता के साथ धर्म भाव हो तो हम बच्चों को बेहिचक राजनीति सिखा सकते हैं। धर्म जीवन का तरीका है, सीने से लगाकर या सिर पर बांधकर घूमने की चीज नहीं। विश्व युद्ध का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसी जगह के सारे लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, सैनिक भी नहीं। केलेनबाक जर्मन है लेकिन उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म सत्याग्रहियों को दिया। कुछ समय पहले जलपोत क्राउन प्रिंस पर गोखले, केलेनबाक और गांधी एक साथ थे। चर्चाएं हुई और उसके बाद छल्ले फेंकने का खेल शुरू हो गया। केलेनबाक खेल में माहिर थे पर गोखले ने उन्हें करीब करीब हरा दिया। उस दिन का खेल बराबरी पर छूटा। खिलाड़ी गोखले को गांधी ने पहली बार देखा था। गोखले ने कहा, मैं सिर्फ ये साबित करने के लिए खेलता हूं कि हिंदुस्तानी यूरोपीय लोगों से बेहतर नहीं तो कम से कम बराबर हैं। गांधी के लिए इसमें एक सीख थी, बराबरी का हक हासिल करने की। खामोशी की दास्तान, भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।